एक बार पुजारी भगवान की माला खुद पहन लेता है, लेकिन कौन जानता था इस घटना से एक असामान्य नतीजा निकलेगा जो सबकी आंखें खोल देगा। एक बार एक राजा ने भगवान कृष्ण के लिए एक मंदिर बनवाया और वहां पूजा करने के लिए एक पुजारी को नियुक्त किया। उस पुजारी ने बड़े ही श्रद्धा और भाव से बिहारी जी की सेवा शुरू कर दी। वह नियमित रूप से भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। राजा हर दिन पुजारी के हाथों एक फूलों की माला भगवान के लिए भिजवाया करता था और पुजारी वह माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा मंदिर में दर्शन के लिए आता, पुजारी वह माला भगवान के गले से उतारकर राजा को पहना दिया करते थे। यह रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सके तो उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया, माला लेकर मंदिर जाओ और पुजारी से कहना आज मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और राजा का संदेश भी दे दिया कि आज महाराज का इंतजार न करें, वे मंदिर नहीं आएंगे। सेवक वापस लौट गया और पुजारी ने माला भगवान बिहारी जी को पहना दी। फिर पुजारी को विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की छड़ी माला राजा को ही पहनाता रहा हूं, कभी यह सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज आएंगे नहीं तो माला आज मैं ही पहन लेता हूं। इस विचार से प्रेरित होकर पुजारी ने बिहारी जी के गले से माला निकालकर स्वयं पहन ली। तभी एक सेवक आया और उसने सूचना दी कि राजा की सवारी बस मंदिर पहुंचने ही वाली है। इस बात को सुनकर पुजारी घबरा गए और सोचने लगे, अगर महाराज ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस डर से पुजारी ने अपने गले से माला उतारकर बिहारी जी को फिर से पहना दी। जब राजा मंदिर में दर्शन के लिए आए तो पुजारी ने नियम अनुसार फिर से वही माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। माला पहनते समय राजा को माला में एक सफेद बाल दिखा। राजा को सारा माजरा समझ आ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और निकालकर फिर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, यह सोचकर राजा क्रोधित हो गया। पुजारी जी, ये सफेद बाल किसका है? पुजारी जी ने सोचा, अगर मैं सच बोलता हूं तो महाराज मुझे दंड देंगे, इसलिए उन्होंने बचने के लिए कहा, महाराज ये सफेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो गुस्से से राजा आगबूला हो गए, ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, भला बिहारी जी के बाल कभी सफेद होते हैं? पुजारी जी, अगर ये सफेद बाल बिहारी जी का है तो कल सुबह श्रृंगार के समय मैं स्वयं आऊंगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। राजा के जाने के बाद पुजारी बिहारी जी से विनती करते हुए रोने लगे, प्रभु मैं मानता हूं कि मैंने आपकी सेवा में झूठ बोला, अपने गले में डाली माला वापस आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया और मेरी लालसा थी कि कभी मैं आपको छड़ी माला खुद पहनूं। मैंने इसी लालच में यह अपराध किया। ठाकुर जी, यह पहली बार हुआ जब मैंने ऐसा किया और ऐसी विपत्ति आ गई। हे नाथ, अब ऐसा अपराध नहीं होगा, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, नहीं तो कल मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी पूरी रात भगवान के सामने रोते रहे। सुबह होने पर राजा मंदिर में आया और घोषणा की, आज मैं स्वयं भगवान का श्रृंगार करूंगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया, बिहारी जी के सारे बाल सफेद थे। राजा ने सोचा, पुजारी ने सजा से बचने के लिए भगवान के बालों को सफेद रंग दिया होगा। गुस्से से तमतमाते हुए उसने भगवान के बालों की जांच करनी चाही ताकि पता चल सके कि बाल असली हैं या नकली। जैसे ही उसने बिहारी जी के बाल तोड़े, बिहारी जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। राजा ने तुरंत भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगी। तब भगवान कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसी कारण मैं आज से तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति ही बनकर रहूंगा। लेकिन पुजारी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं, उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े व रक्त के धार भी बहानी पड़ी। दोस्तों, बांके बिहारी जी के मंदिर में एक पुजारी थे। वह बड़ी श्रद्धा से भगवान की सेवा आरती किया करते थे। रात को जब वह उन्हें शयन कराते तो भगवान के बिस्तर के पास चार लड्डू रख देते थे। उनका भाव यह था कि अगर रात को भगवान को भूख लगेगी तो वह इन्हें खा लेंगे।
और जब सुबह वह मंदिर का किवाड़ खोलते तो वह लड्डू उनके बिस्तर पर बिखरे पड़े मिलते। एक दिन वह पुजारी रात को शयन कराते हुए बिहारी जी के पास लड्डू रखना भूल गए और मंदिर के किवाड़ बंद करके चले गए। रात के करीब 12 बजे जिस हलवाई से पुजारी जी लड्डू लाते थे वह दुकान खुली थी और वह दुकानदार दुकान बंद करके जाने ही वाला था कि एक बालक सांवला सा कजरारे नैनों वाला घुंघराले बाल थे जिसके, वह दुकान पर आया और बोला, बाबा लड्डू चाहिए। परंतु वह बोला कि लल्ला लड्डू तो अब सारे बिक गए, अब तो कोई भी लड्डू नहीं बचा, तू कल आना, कल मैं तुझे लड्डू दूंगा। तब वह बालक बोला कि नहीं, मुझे तो आज ही लड्डू चाहिए, मुझे अभी खाने हैं। तो वह बोला, लड्डू तो अब नहीं है। तो बालक ने कहा कि अंदर 4 लड्डू रखे हैं, आप वो मुझे दे दो। बालक की जिद थी, अतः उसे माननी पड़ी और अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर 4 लड्डू रखे थे। ये वही लड्डू थे जो उसने मंदिर के पुजारी के लिए रखे थे। उसने वह 4 लड्डू उस बालक को दिए और बोला कि पैसे लाओ। वह बालक बोला कि पैसे तो नहीं है मेरे पास, आप मेरा यह कंगन रख लो, सुबह मेरे बाबा आपको पैसे दे जाएंगे और कंगन ले जाएंगे। उस दुकानदार ने कहा कि नहीं लल्ला, इसकी जरूरत नहीं है। परंतु वह बालक जबरन ही कंगन दुकान पर रखकर लड्डू लेकर भाग गया। सुबह जब पुजारी ने किवाड़ खोला और देखा कि बिहारी जी के हाथ में कंगन तो है ही नहीं और बिस्तर पर लड्डू भी बिखरे पड़े हैं, तब उसे याद आया कि रात को तो लड्डू रखना मैं भूल ही गया। थोड़ी देर में पूरे मंदिर में और फिर पूरे वृंदावन में यह बात फैल गई कि बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए। यह बात जब उस दुकानदार ने सुनी तो वह कंगन लेकर पुजारी जी के पास गया और कंगन दिखाकर बोला कि क्या यही है बिहारी जी के कंगन? हाँ भैया, यही कंगन है, किंतु तुम्हारे पास कैसे आए? वह बोला कि कल एक बालक लड्डू लेने आया था और लड्डू लेकर वो ये कंगन दुकान पर फेंक कर भाग गया। पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए कि मैं कितना स्वार्थी हूँ कि भगवान का भोग रखना ही भूल गया। उन्होंने दुकानदार को बताया कि वह बालक और कोई नहीं, स्वयं सांवरा सलोना ही था। छोटी सी एक लड़की थी, वह कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी। नित्य ही वह पूजा पाठ बड़ी श्रद्धा से किया करती थी। जैसे ही वह बड़ी हुई तो उसकी शादी वृंदावन में हो गई। शादी के अगले दिन उसका भाई उसे मायके में लिवा ले गया। वहाँ 2 दिन रहने के पश्चात उसका पति उसे लेने आया। वह बहुत खुश थी कि मैं वृंदावन जा रही हूँ। रास्ते में यमुना नदी पड़ती है तो उसके पति ने कहा कि देखो शाम हो गई है, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम सामान लेकर यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाओ। और वह नहाने चला गया। उस लड़की ने मन में सोचा कि मैं कृष्ण जी की भक्तनी हूँ, देखो मेरा बड़ा भाग्य जो मेरी शादी भी वृंदावन में ही हो गई, परंतु आज तक मैंने उनसे कोई रिश्ता नहीं बनाया। तब भी उसके मन में ख्याल आया कि ठाकुर जी की उम्र शायद 15 साल होगी और मेरे पति 20 साल के हैं, तो इस नाते ठाकुर जी मेरे देवर हुए। और वह मन ही मन कल्पना करती है कि ठाकुर जी मुझे भाभी कहकर पुकार रहे हैं। तभी वहाँ पर एक 15-16 साल का लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, भाभी अरे ओ भाभी। और वह अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है और सोचती है कि यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं, तो फिर ये भाभी कहकर मुझे बुलाने वाला कौन है? नई नवेली दुल्हन हूँ, घूंघट उठाकर देख भी नहीं सकती। तभी वह बालक फिर से बोला, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाई दियो। उसने सोचा कि अरे ये बालक तो बहुत जिद्दी है, और वह कस के अपना घूंघट पकड़ लेती है कि कहीं ये घूंघट उठा ना दे। लेकिन उस बालक ने भी हट से उसका चेहरा देखा और बोला, भाभी ओ भाभी, इतना कहकर मुस्कुराया और भाग गया। जब उसका पति नहाकर वापिस आया तो उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति बोला कि अरे तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई? वह बोली कि मैं आवाज लगाने वाली थी कि तभी वह भाग गया। तब उसका पति बोला कि चलो कोई बात नहीं,
वृंदावन तो छोटा सा ही है, कहीं ना कहीं तो वो दिखाई दे ही जाएगा। जैसे ही वो दिखाई दे तो मुझे बताना, मैं वहीं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। कुछ दिन बाद उसकी सास अपने लड़के से बोली कि अब तेरी शादी हो गई है तो जा बहू को बांके बिहारी जी के दर्शन करवा ला। अतः अगले दिन वे दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन करने मंदिर में गए। वहां बहुत भीड़ थी और वे दोनों लाइन में लग गए। उसने घूंघट ओढ़ रखा था कि कहीं कोई बूढ़ा बुजुर्ग ना मिल जाए, नहीं तो कहेंगे कितनी निर्लज्ज बहू है। उसके पति ने उसका घूंघट देखा तो बोला कि अरे बावली, बिहारी जी के सामने घूंघट का ही नहीं खोले है, घूंघट नहीं खोलेगी तो बिहारी जी के दर्शन कैसे करेगी। पति की बात मानकर जैसे ही उसने घूंघट हटाकर ठाकुर जी को देखा तो वहां उसे वही लड़का मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। वो लड़का मिल गया जो उस दिन मुझे भाभी कहकर भागा था। उसका पति बोला, अच्छा बता मुझे कहाँ है, मैं अभी उसको डांट लगाता हूँ। तब उसने बिहारी जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही तो है जो मंदिर में खड़े हैं। तभी उसका पति उसके सामने नतमस्तक हुआ और बोला कि तू तो धन्य है, मैं तो इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा, और तुम्हारा भाव कितना सच्चा है कि बिहारी जी ने खुद तुम्हारे पास आकर तुम्हें दर्शन दिए। एक बार वृंदावन में एक संत रहा करते थे, उनका नाम था श्री कल्याण जी महाराज। उनका काम बस कृष्ण जी की पूजा करना, सेवा करना ही था। वह पूरा वक्त ठाकुर जी की सेवा में ही लगे रहते थे। एक बार उनके पास कोई 50 या 55 वर्ष के एक सेठ जी आए। कुछ समय से उनका व्यापार कुछ ठीक से नहीं चल रहा था। किसी ने उन्हें परामर्श दिया कि बिहारी जी के मंदिर में अरदास लगा दो तो तुम्हारा व्यापार चल जाएगा। वह सेठ वृंदावन की तरफ चल पड़ा। उस सेठ ने आकर श्री कल्याण जी महाराज को सारी बात बताई और कहा कि महाराज, आप ही कोई ऐसी कृपा करो जिससे कि मेरा व्यापार चल पड़े। श्री कल्याण जी महाराज बोले कि मैं तो ऐसी कोई विद्या नहीं जानता जिससे कि व्यापार चल जाए, हमारे यहाँ तो बस राधे राधे का मंत्र ही चलता है, तुम भी भाई वही जपो। इतने में बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। उन्होंने मंदिर का किवाड़ खोला और सेठ जी से बोले कि आपको जो भी चाहिए बिहारी जी से ही बोलो, वो ही सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सेठ जी तो यही सोचकर आए थे कि कल्याण जी महाराज कोई चमत्कार कर देंगे। खैर, वो संत जी से अपना ध्यान हटाकर बिहारी जी को देखने लगे। जैसे ही उन्होंने भगवान की तरफ देखा तो वो देखते ही रह गए। उनके दर्शन करके सेठ जी को बहुत आनंद मिला। सेठ जी ने बिहारी जी से प्रार्थना की और मंदिर के बाहर आ गए। संत जी ने उन्हें अपने आश्रम में रुकने को कहा तो सेठ जी उनके आश्रम में ही रुक गए। वह आश्रम में भागवत कथा रखी हुई थी तो सेठ जी कथा सुनते और मंदिर में घंटों ठाकुर जी को देखते रहते। 2-3 दिन रहने के पश्चात वे वापिस अपने घर आ गए। घर आकर उन्हें कुछ तो बदलाव महसूस हुआ। धीरे धीरे उनका व्यापार पहले की तरह अच्छा चलने लगा। उन्होंने मन ही मन बिहारी जी और श्री कल्याण जी को धन्यवाद किया। समय समय पर जैसे ही कभी उन्हें व्यापार से फुर्सत मिलती तो वे वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में आते रहते। उनकी आस्था बिहारी जी के लिए बहुत बढ़ गई थी। वह हर समय हर चीज के लिए बिहारी जी का धन्यवाद करते रहते। समय ऐसे ही बीतता चला और अब उनका स्वास्थ्य भी कुछ खराब रहने लगा तो वे वृंदावन में नहीं जा पाते थे। एक बार उनके एक परिजन वृंदावन जा रहे थे तो सेठ जी मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे क्योंकि अब वो वृंदावन नहीं जा पा रहे थे। तो उन्होंने अपने उस परिजन से कहा कि भैया, बहुत खुशी की बात है जो आप बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हो, वहाँ मेरी भी हाजिरी लगा देना। और उन्हें 750 रुपये दिए कि इन्हें बिहारी जी की सेवा में लगा देना और साथ ही प्रसाद भी चढ़ा देना। उन सज्जन ने वहाँ कल्याण जी के आश्रम में जाकर
ऐसा ही किया। बहुत अच्छी ठाकुर जी की एक पोशाक ली और बहुत सुंदर बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनवाया। मंदिर में भी कुछ सेवा दी और कुछ सेवा कल्याण जी के आश्रम में भी कर दी। इस सारी व्यवस्था में धन कुछ ज़्यादा ही खर्च हो गया, परंतु फिर भी वह संतुष्ट था कि चलो इसी बहाने कुछ सेवा हमारी तरफ से भी लग गई। उधर बिहारी जी रात को सेठ जी के स्वप्न में आते हैं। सेठ जी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। गुलाबी रंग की पोशाक, टेढ़ी चितवन, काले कजरारे नैन, टेढ़ा मोर पंख वाला मुकुट, हाथ में बांसुरी पकड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सेठ जी स्वप्न में ही उन्हें अपलक देखे जा रहे हैं। तभी बिहारी जी बोले कि सेठ जी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो सेवा मेरे लिए भेजी थी वह मैंने स्वीकार कर ली। देखो ये तुम्हारी ही पोशाक मैंने धारण की हुई है, परंतु इस सेवा में 280 रुपए ज्यादा लग गए हैं। ऐसा करना, तुम उस भक्त को 280 रुपए लौटा देना। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उनके जाते ही झट से सेठ जी की आंख खुल गई। सेठ उन सज्जन का इंतजार करने लगे। 8 दिन बाद जैसे ही वह वापिस आए तो सेठ जी उनसे मिलने उनके घर गए। हाल चाल पूछने के बाद बोले कि भैया, बिहारी जी की सेवा अच्छे से कर दी थी ना? तो वह बोला कि हाँ भैया, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। मैंने गुलाबी रंग की बहुत बढ़िया पोशाक बिहारी जी के लिए बनवाई, जिसमें सलमा सितारे गोटा बहुत सुंदर लग रहे थे। यह सुनते ही सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और जेब से 280 रुपये निकाल कर उन्हें दे दिए। यह देखकर वे बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि आपको कैसे पता चला कि 280 रुपये ज़्यादा लगे हैं। तो सेठ जी ने सपने वाली सारी बात उन्हें बता दी। ये भी बताया कि बिहारी जी वही पोशाक धारण करके उन्हें दर्शन देने आए थे और पूरी छवि को विस्तार से बताया। वह सज्जन यह सुनकर भाव विभोर हो गए। तो ऐसी है बांकी बिहारी की लीला। कहते हैं, समझो तो देव नहीं तो पत्थर। श्रद्धा हो तो उस पत्थर में भगवान साक्षात प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, हम आपको आपके प्रांत की, राज्य की या आसपास की कहानियाँ सुनाना चाहते हैं। तो वीडियो को एक बार पॉज करके कृपया बताएं कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं।